अगर आपके 10 से 5 व्यूज आ रहे हैं आपके वीडियो में और आप रेगुलर वर्क कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, आप थंबनेल भी अच्छा बना रहे हो, कंटेंट भी अच्छा दे रहे हो, टाइटल भी अच्छे से लगा रहे हो, डिस्क्रिप्शन भी अच्छे से बना रहे हो और टैग्स भी आप अच्छे से लगा रहे हो, लेकिन आपके वीडियो पर फिर भी व्यूज नहीं आ रहे, तो आप ये 2 से 3 काम कर लो भाई, आपके व्यूज भी आएंगे और आपका वॉच टाइम भी बढ़ेगा और आपके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे। अभी आप बोलोगे कि भाई आप खुद तो कर नहीं रहे चीज, भाई मुझे ये ट्रिक अभी पता चली है, मतलब पता पहले से थी, असल में पता हर चीज होती है, लेकिन कुछ कुछ चीजें जब रिकॉल हो जाती है ना, कुछ चीजें मतलब माइंड में रहती हैं, लेकिन जब वो रिकॉल हो जाती है किसी फ्रेंड के थ्रू या किसी यूट्यूब के सोर्स के थ्रू या किसी सोशल मीडिया के थ्रू, तो उस पर फिर से हम वर्क करना शुरू कर देते हैं। अब वो क्या है वो जान लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर आपके नॉर्मल व्यूज 10 से 5 आ रहे हैं तो आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियो बनानी पड़ेगी। ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या हैं? जैसा आपका टेक्निकल चैनल है, ठीक है, अब टेक्निकल में क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है वो तो आप गूगल ट्रेंड से जाकर के देख सकते हो, लेकिन उसके अलावा मैं एक आपको चीज और बताता हूँ, आप न्यूज को भी फॉलो किया करो। अब न्यूज में मैं आपको बता देता हूँ, जैसा आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले एक वायरल हो रही थी एक वीडियो, लखनऊ की जो लड़की थी वो रोड क्रॉस कर रही थी और जैसा ही उसके सामने गाड़ी आई तो उसने को गाड़ी वाले को बाहर निकाल के उसने चाटे चाटे बजाए, आपने देखी भी होगी वीडियो, मतलब बहुत वायरल हुई। मैं आपको बता दूं एक हफ्ते के अंदर मिलियंस में व्यूज आए, वो भी मैं आपको प्रूफ में दिखाने वाला हूँ मिलियंस में व्यूज कैसे मिले हैं। तो आप अगर जो वीडियो बना रहे हैं, मतलब टेक्निकल चैनल है आपका, एंटरटेनमेंट चैनल है आपका, लेकिन अगर आप इस तरह की वीडियो भी कवर करोगे ना भाई एक या दो, तो आपको वहां से सब्सक्राइबर्स भी मिलेंगे, व्यूज भी मिलेंगे और वॉच आवर्स भी मिलेगा, अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे कोई वीडियो बना लेते हो। जैसा आपने कुछ टाइम पहले, मतलब अभी नहीं, अब से 4-5 महीने पहले आपने एक, मैंने देखा था कि भाई निश कुछ और है लेकिन वीडियो कुछ और डाली थी, मतलब ऐसा नहीं है क्या, मतलब अब आप ही कोई भी अब मतलब टेक्निकल चैनल है और आप न्यूज को फॉलो करना शुरू कर दो, ऐसे भी मत करना, वो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी वीडियो को कैसे मतलब वायरल हो सकती है। कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि बाबा का ढाबा काफी वीडियोस वायरल हो रही थी इसकी, लेकिन इस पे क्योंकि काफी ट्रेंडिंग टॉपिक था तो इस बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इस पर वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट एंड राइट साइड में इन बड़े बड़े क्रिएटर्स ने उन पर वीडियो बनाई थी, इस वजह से वहां से उनके पास एक एक्टिव ऑडियंस आई होगी और आती भी है अगर आप किसी ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वीडियो बना देते हैं। अब मैं भी कोशिश करूंगा क्योंकि मेरे भी व्यूज आपने देखे होंगे एवरेज रहते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स में कोई भी वीडियो डालूंगा वायरल, जो वायरल हो जाती है, मतलब पहले ही पता चल जाता है कि भाई ये वीडियो चलने वाली है क्योंकि आपको सोशल मीडिया पर दिख ही जाती है कि भाई ये वीडियो वायरल चल रही है, तो आप भी उसमें बस उठे सीधा करो, मतलब कैमरे के सामने खड़े हो और वीडियो बना दो और थंबनेल बना दो अट्रैक्टिव सा बढ़िया सा। मैं एक चैनल पे आपको विजिट करा देता हूँ, उसने भाई एक हफ्ते के अंदर कैसे 9.5 मिलियन व्यूज पाए हैं, मतलब क्योंकि उसने ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर बात करी थी, वीडियो सिर्फ 5 से 6 पड़ी उसके पूरे चैनल पे, लेकिन एक वीडियो कितनी तगड़ी वायरल हुई है यार, अनबिलीवेबल। अगर आपको भी इसी तरह से अपने चैनल को बूस्ट दिलाना है तकड़े वाला, तो भाई ये काम हमें करना पड़ेगा। देखो फिर ये मैटर नहीं करता कि हमारा नीश कौन सा है, फिर मैटर करता है कि भाई अब हमें रीच चाहिए बस, क्योंकि भाई 70-70 वीडियो, 80-80 वीडियो, 90-90 वीडियो डाल देते हैं लेकिन एवरेज व्यूज वही रहते हैं 50 से 60, तो भाई मन तो कहीं ना कहीं परेशान होता ही है ना कि यार इतने हम मेहनत कर रहे हैं, अच्छा टाइटल लिख रहे हैं, अच्छा थंबनेल बना रहे हैं, अच्छा मतलब एवरीथिंग इज टू गुड फॉर, मतलब हम लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन फिर भी व्यूज नहीं आते, तो कहीं ना कहीं हम उसमें कुछ ना कुछ गलती करते हैं। और गलती बस यही है कि हम ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वर्क नहीं करते, क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर बात करेंगे तो हमें वहां से एक्टिव ऑडियंस मिलेगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको एक वो एग्जांपल दिखा देता हूँ किस तरह से उसने, अब मैं वो बता देता हूँ कि भाई एक हफ्ते के अंदर कैसे उसके 9 मिलियन प्लस व्यूज चले गए और कितने उसके पास सब्सक्राइबर्स आए हैं उससे, वो भी मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों ये वो चैनल है जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे कि 7 से 8 वीडियो डाली हुई है और सब्सक्राइबर्स आप इनके देख लीजिए 133K, मतलब 1,33,000 सब्सक्राइबर्स हैं इनके। और अब मैं आपको वो पॉइंट बता देता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस वीडियो की मैं बात कर रहा था ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, मतलब वो लखनऊ वाली जो लड़की जिसने चाटे बजाए थे उस कैब ड्राइवर के, आप देख सकते हैं जिस दिन मैंने ये कंटेंट लिखा था उस दिन 9.5 मिलियन व्यूज थे इसके एक हफ्ते के अंदर, लेकिन अभी 10 मिलियन व्यूज इसके आ चुके हैं, ठीक है। और आप यहां पर वीडियो देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ओनली 9 वीडियोज, सब्सक्राइबर्स एंड व्यूज देखिए आप कितने तगड़े आ रहे हैं। ये 2 साल पहले की इस पर वीडियो डाली हुई है जिसपे 9.1 व्यूज हैं, ओके। और अब यह 1 वीक पर आप देख लीजिए 10 मिलियन व्यूज, यार ये कैसे पॉसिबल होता है, ये इसीलिए पॉसिबल होता है क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स कवर कर लेते हैं तो इनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं और ये अच्छा खासा अर्न भी कर लेते हैं अगर इस तरह से ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप भी इसी तरह की, अगर आपकी वीडियोज या आपके चैनल पर रीच नहीं आ रही है, अच्छे व्यूज नहीं आ रहे हैं और अच्छे सब्सक्राइबर्स नहीं मिल रहे, तो आपको भी
भी सोशल मीडिया को फॉलो कर लेना है, और वहाँ पर आप देखिए कि क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है। मतलब आपको रेगुलर नहीं डालनी है ट्रेंडिंग वाली वीडियो। अगर आपका टेक्निकल चैनल है तो आप एक या दो वीडियोस डाल सकते हैं अपने चैनल को बूस्ट दिलाने के लिए। मतलब ये बहुत सारे यूट्यूबर्स भी करते हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल में भी दिखा दिया था, ठीक है। तो अगर जो आपको अपने चैनल को बूस्ट करना है तो भाई ये ट्रिक अपनानी पड़ेगी। तो दोस्तों ये मेरी ट्रिक्स कैसी लगी आपको मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।